सो गाइस, इस वीडियो में हम जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उससे फंड ट्रांसफ़र यानी इस अकाउंट से आपके दूसरे अकाउंट में यूपीआई के जरिए या अकाउंट नंबर के जरिए किसी भी अदर बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए, एपीबीवी का ये ऐप है एक, देखिए पोस्ट ऑफिस का। तो इसमें आप देखिए लॉगिन कर लिया हमने अपना एम पिन वगैरह डाल के, सेंड न्यू बेनिफिशियरी इस पर क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। पहले बेनिफिशियरी जो है ऐड कर लेना है, जैसे हमने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर किया है तो ऑलरेडी हमने क्या किया है ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए दो सिस्टम होते हैं, IMPS और NEFT। NEFT पे क्लिक करेंगे थोड़ा लेट से आएगा, आधे घंटे एक घंटे के अंदर IMPS से तुरंत आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ऑथेंटिकेट विथ OTP, यानी जब आपने अकाउंट ओपन करवाया हो। ये देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके जहाँ पे आपने जब जिस टाइम पे अपने अकाउंट ओपन करवाते टाइम मोबाइल नंबर दिया होगा उसमें OTP आएगा। OTP कब आएगा, जब आपके फ़ोन में अगर VI एयरटेल का है तो उसमें रिचार्ज होना चाहिए, और जियो का है तो उसमें रिचार्ज नहीं रहेगा, तब भी OTP आ जाएगा और ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा। देखिए तो एक बार हमने किया तो फेल्ड हो गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन फेल्ड, ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड बाई बैंक। तो इसके बाद फिर से आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करनी है। तो हमने अकाउंट में लिया है, UPI में भी कर सकते हैं, बट UPI में हम ट्राई किया तो 8 आवर्स बाद बता रहा, कहीं 24 घंटे बाद बताता है। तो इसमें फिर से हमने कोशिश किया, देखिए दोबारा से सेम प्रोसेस हमने किया। तो इस बार अगर आप एक बार ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है या ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड बाई बैंक होता है तो दोबारा से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा से हमने फिर से किया है NEFT, इस बार हमने किया है, इसमें शो भी कर देता है कि NEFT से IMPS में। तो सबमिट कर दिया हमने, ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, सेंट अमाउंट, सेंड टू रेफरेंस नंबर UTR, ट्रांजेक्शन डिटेल्स सेंड टू द कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपके जो मैसेज भी आ जाएगा, ये देखिए 2000 कुछ रुपये था तो अभी कितना बचा है, सिर्फ 58.58। ये देखिए इस तरह से रिसेंट ट्रांजेक्शंस में, ये देखिए डेबिट NEFT, तो इस तरीके से आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके।